को मेंटल डिसऑर्डर था, प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मेंटल डिसऑर्डर वाले कौन थे, जिनको जिसको मतलब थोड़ा सा दिमाग की बीमारी थी, कितने लोगों को, जिसको जितने दिमाग की बीमारी वाले प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। सभी को लगभग रहता है, दिमाग की बीमारी सबको रहती है, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक हो जाता है लेकिन पहले रहता है, लगभग सभी को दिमाग की बीमारी रहती है। बस ठीक, कोई चमत्कार नहीं है और कोई यहाँ पर वो नहीं होता। देखो जो हमारी पौराणिक परंपरा है, इस यहाँ के सिद्ध स्थल है, मैं रिसर्च किया हूँ यहाँ पर कि ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे रिलैक्स करते हैं भाई, ब्रेन डिसऑर्डर जिसको होता है कैसे कैसे होगा ध्यान, यहाँ पर जब प्रक्रिया हम करते हैं, नोदिसी प्रक्रिया, वनडे प्रक्रिया, कोई चमत्कार नहीं है और कोई यहाँ पर वो नहीं होता। देखो जो हमारी पौराणिक परंपरा है, इस यहाँ के सिद्ध स्थल है, वाक सिद्धि स्थल है, ये दरबार के अंदर बैठ करके आप जो भी बोलोगे, जो संकल्प होगा आपका कार्य पूर्ण होगा, यदि श्रद्धा विश्वास करता आप काम करेंगे तो, उसी परंपरा में आता है हमारा वनडे क्रिया। श्रद्धा का कोई मापन है? हाँ मापन, हम सुनिए मापन नहीं है, श्रद्धा क्या, मेरे पास सुनिए, श्रद्धा का क्या मापन है? आप जो नहीं ठीक हुआ उसको कह दो कि श्रद्धा नहीं थी तो नहीं ठीक हुआ, अगर ठीक हुआ तो श्रद्धा नहीं हुआ, क्या मापन है? नियम को सुनो, सुनो सुनो, नियम को पूरा करके, मेरी बात सुनो, नियम को पूरा करके, मैं प्रथम मेरी एक एक पॉइंट पर आप निश्चित कर सकते हो, नियम को मैंने पूरा किया, नियम पूरा करने के बाद जो है सुनो, यहाँ पर परंपरा में उसी उस वक्त में जब शुरू किया तो अंडे नहीं था, नोदिसी हवन था, मैं नोदिसी हवन करने के बाद जो है मैं ध्यान सुनो, पहले से मैं योग MPhil हूँ भाई, मार्टर फिलोसफर हूँ, योग से MPhil किया हूँ, योग में नाड़ी सोने प्रयाम भड़ाम सबको मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ, इतना करने के बाद मुझे कोई लाभ नहीं मिला, मेरी पत्नी पैर करके हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद जब मैं इस वीडियो के यहाँ का देखा तो मैं आया, मैं डॉक्टर ने मुझे कहा जब तुम चल नहीं सकते हो, मैं मेरे बच्चे रोने लगे, मम्मी चलेगी पापा भी चले जाएंगे, मैं भी वीडियो देख कर आया और यहाँ पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आपको दिखा सकता हूँ चल करके, 3 मार्च 2021 का, उसके बाद में प्रक्रिया को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद फिर वही प्राणायाम योग करके वही करते मैं ध्यान करता हूँ, सुनो एक मैं क्रिया दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे पे हाथ रखो ऐसे नीचे लगा हुआ, देखो ये चल रहा है मेरा, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है कि चल रहा है, कुछ लगा हुआ है, चल नहीं, कुछ नहीं लगा है, चोखो चोखो चल रहा है, देखो क्या आप लोग देखो क्या चल रहा है, कोई चीज ऐसे लग रहा है जैसे टेप जैसी कोई चीज लगी हुई है, चल नहीं चल रहा है कि चल रहा है, क्या चल क्या रहा, क्या पूछना चाह रहे हो, देखो टेप लगा हुआ है, देखो टेप लगा है, लगा हुआ है शायद, ऐसा लग रहा है, आप लोग को ये लग रहा है, दिखा रहा हूँ देखो क्या लगा है, देखो कुछ लगा है, कहाँ लगा, देखो क्या लगा, टाइट से लग रहा है, टाइट क्यों है, किसी का टाइम देखो मेरा चल रहा है, पूरा हाथ लगाओ, चल नहीं चल रहा, चल रहा ये ऑटोमेटिक जप हो रहा है, चल नहीं रहा है, ये प्रक्रिया है, योगिक प्रक्रिया है, मैंने यहाँ मैंने ध्यान में जाकर इसको सीखा, ये सबको नहीं हो सकता है, बड़े बड़े संतों को नहीं हो सकता है, ये दरबार में रहकर मैंने रिसर्च किया है, मैं रिसर्च किया हूँ यहाँ पर कि ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे रिलैक्स करते हैं भाई, ब्रेन डिसऑर्डर जिसको होता है कैसे कैसे होगा ध्यान, यहाँ पर जब प्रक्रिया हम करते हैं नोदिसी प्रक्रिया, वनडे प्रक्रिया, वनडे प्रक्रिया करने के बाद हम ध्यान प्रणाम करेंगे ना, ऑटोमेटिक दुनिया कैसा भी ब्रेन डिसऑर्डर वाला हो यहाँ ठीक हो जाएगा, दरबार दावे के साथ में कहता हूँ। मैं इसमें एक कितने लोगों को मेंटल डिसऑर्डर था, प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मेंटल डिसऑर्डर वाले कौन थे, जिनको जिसको मतलब थोड़ा सा दिमाग की बीमारी थी, कितने लोगों को, जिसको जितने दिमाग की बीमारी वाले प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, सभी को लगभग रहता है, दिमाग की बीमारी सबको रहती है, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक हो जाता है लेकिन पहले रहता है, लगभग सभी को दिमाग की बीमारी रहती है। बस ठीक, ये हम लोग करवरिया साहब में थे जहाँ पे हमने लगातार यहाँ लोगों से बात करी, किसी ने आस्था की बात करी, किसी ने ठीक होने की बात करी, किसी ने चैलेंज भी दिया है कि अगर ये आग की रोशनी वापस आ जाती है तो हम यहाँ पे इन लोगों को इनकी दिव्य शक्तियों को मानने लगेंगे। लास्ट में मैं एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये पूछा कि कितने लोगों को मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी थी, तो लोगों ने यही कहा कि लगभग लगभग सभी लोगों की थी। ऐसे और लोगों से बात कराऊंगा, बने रहे रिपोर्ट्स के साथ, नमस्कार।